नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही यूपी सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को झटका देने वाला बदलाव हुआ है। मशहूर स्टार और नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खुशबू सुंदर ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को 1000 किलोमीटर मार करने वाली निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन ये परीक्षण बीच में ही रोकना पड़ा। ओडिशा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से बंगाल की खाड़ी में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। बता दें कि डीआरडीओ ने अक्टूबर 2014 से ही निर्भय मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सड़क दुर्घटना में एक नर्स की मौत हो गई है। यहां रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस हादसे में एक स्टाफ नर्स की मौत हो गई है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। चीन से बढ़ते खतरे से निमटने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में यूएस नेवी के लिए बैटल फोर्स 2045 का ऐलान करने के बाद अब अमेरिका ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी सेना अमेरिकी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करने जा रही है जो दुनिया भर में कहीं भी हथियारों को केवल 60 मिनट में पहुंचा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यौन हिंसा के अपराध के मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी कानून का समान संरक्षण मुहैया कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में दलील दी गई है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य को यौन हिंसा के अपराधों से संरक्षण के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात के रहने वाले हैं। इन सभी को 14 सितंबर को अगवा किया गया था। इन सभी का वतन वापसी के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट जाते वक्त अपहरण किया गया था। पार्ले जी कंपनी का नाम सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस बार कारण एकदम अलग है। दरअसल कंपनी ने फैसला किया है कि वे न्यूज चैनलों पर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करेगी और ये कदम सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आया। इसके बाद ट्विटर पर #पार्लेजी ट्रेंड करने लगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।